क्लास 7th ओरल शीट, और उसका सॉल्यूशन आपको समझा रहे हैं। जीरो इज़ डिवाइडेड बाई माइनस एट इक्वल्स टू जीरो, ये क्या चीज़ है? इसके अंदर है अब हमारे पास ट्रू और फॉल्स। ठीक है, अब ये बताओ ये ट्रू है या फॉल्स है? आपको बताएगा किसी भी नंबर में से ज़ीरो में डिवाइड करते हैं तो ज़ीरो आता है, तो ये ट्रू। ठीक है, अब 54 में 9 से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा, ये तो सही है। लेकिन जब साइन दोनों तरफ सेम होता है डिवाइड करने वाले, यानी 54 और 9 दोनों में डिवाइड सेम है, तो आंसर पॉजिटिव आना चाहिए, इसलिए ये फॉल्स हो गया क्योंकि माइनस 6 है। फिर इसका आंसर बताया उन्होंने माइनस 19, 19 डिवाइडेड बाई माइनस 1 इक्वल्स टू माइनस 19, ये ट्रू है। इसमें लिखा हुआ है हमारे ओरल शीट के अंदर 9, यानी 36 को जब माइनस 4 से डिवाइड करेंगे अब साइन डिफरेंट हो गया, इसलिए माइनस 9 आना चाहिए, और यहाँ 9 लिख दिया तो ये हो जाएगा फॉल्स। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वन। ठीक है, अब देखो इसके अंदर क्या करते हैं, 997 यहाँ भी है, 997 यहाँ भी है, तो 997 को अलग कर दो, अब आप एक बार लिख दो। ठीक है, अब इसको कॉमन ले लिया, अब अंदर के बाद हमारे पास 997 तो बाहर आ गया, माइनस इधर आया हमारे पास 792। जब इनको सबट्रैक्ट करेंगे तो आएगा हमारे पास 8000 × 997 और 8000 जब मल्टीप्लाई होगा तो इसका आंसर आएगा जो आपको दिया है, मल्टीप्लाई करके देख लेना, 7 6 9 7 6 और 3 × 0 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें करना है सिंप्लीफाई। 3/7 + 1/21 − 1/14, तो 7, 21, 14 इसका जब हम एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम आएगा हमारे पास 42। 42 कैसे आया? क्योंकि 7 से भी डिवाइड हो जाएगा 42, 21 से भी डिवाइड हो जाएगा 42, और 14 से भी की टेबल में भी आ ही रहा है 42। ठीक है, चलो अब 7 की टेबल बोलो, 7 6 42, यानी अब 3 को और 6 को मल्टीप्लाई कर दो, प्लस 1 × 21 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 आएगा, फिर उसको 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 40 की टेबल बोलेंगे हम 3 टाइम्स, और 1 को और 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अब इसको आगे सोल्व करो, 3 6 18 + 2 − 3 / 42, तो कितना आया आंसर 18 / 2 = 20 − 3/42 = 17/42। ठीक है, रेसिप्रोकल बहुत ईजी है, इसको उल्टा करके लिख दो ऐसे, यानी जो डिनोमिनेटर है उसको तो न्यूमरेटर कर दो और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर कर दो, ऐसे इसका कर दो, ये इसके रेसिप्रोकल कहलाएंगे। अब है क्वेश्चन नंबर 5, ऐड करना। ये 3 नंबर्स हैं, इनको जब हम ऐड करेंगे तो ऐड करने का तरीका क्या है डेसिमल पॉइंट्स के, तो पहले पॉइंट वाले अलग अलग कर दो आप। ठीक है, ये है 6.75, ये 4.35, के नीचे 0 लगा के पूरा कर दो। अब ये है 2.913, अब 3 के ऊपर पूरा खाली पड़ा हुआ है इसलिए 0 लगा के पूरा कर दो उसको, तो इसका आंसर कितना आएगा हमारे पास ऐड करेंगे तो ये आएगा 13.936। ऐसे क्वेश्चन नंबर 6 डिवाइड करना है। ठीक है, अब 2 से डिवाइड करो और 6 आना चाहिए, यानी 2 की टेबल बोलो, 6 आते जो 2 3 6, डेसिमल के बाद 1 पॉइंट, तो इसके लिए पॉइंट लगा के डेसिमल कर दिया और इधर ये 0 कर दिया। फिर इसके बाद है कन्वर्ट द लीटर इनटू मिलीलीटर, तो यहाँ पर आपको मालूम होना चाहिए 1 लीटर के अंदर 1000 मिलीलीटर होते हैं, तो यानी हम इसको 18.5 को 1000 से
मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका आंसर कितना आएगा, मिलीलीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब एक तरीका तो इसका करने का ये है, इसको डेसिमल जीरो से ज़ीरो कर दो और 185 को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 185 और 100 के दो जीरो लगा दो, ये मिल आ गया। ये तरीका इजी इसका। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड 5 रेशनल नंबर इक्वलन टू -6/11। 1, 2, 3, 4, 5 5 रेशनल नंबर चाहिए, टेबल लिख दो। माइनस 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 6 2 12, 11 2 22, 6 3 18, 11 3 33, 6 4 24, ये आ जाएगा फिर 44, 11 5 45, 6 5 30। ठीक है, -36 और ये 66, इजी है। क्वेश्चन नंबर 5, फिल इन द ब्लैंक्स। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करो 12, और -3 को भी जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -9। अब 4 से 28 तक पहुँचने के लिए 7 से मल्टीप्लाई करो, तो इसको भी 7 से मल्टीप्लाई करो तो -21, 7 3 से 21। इवेल्यूएट 1/2। अब यहाँ भी वही करा जो क्वेश्चन हमने यहाँ पर करा था, इधर ये वाला। ठीक है, 7 21 और 14 का जब एलसीएम लिया तो ऐसे ही इस क्वेश्चन के अंदर करेंगे हम 2 3 और 5 का एलसीएम लेंगे, तो इसका एलसीएम कितना आएगा, 30। अब डायरेक्ट करोगे काम, 2 को डिवाइड करेंगे 15 15 वन से 15, प्लस 3 10 से 30। अब 10 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 10 2 से 20। 4 से को डिवाइड करेंगे 30 में, तो 4 6 से 30, फिर 6 से मल्टीप्लाई करो, 6 4 से 24। तो ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, इन दोनों को अलग ऐड कर दो तो ये तो हो जाएगा 44। ठीक है, और -15। अब 15 और 44 का डिफरेंस निकालो, 29/32। एक्सपेंडेड ऑफ 4^6 बहुत ईजी है, इसको 1 2 3 4 5 6 बस हो गया, मल्टीप्लाई कर दो एक्सपेंडेड फॉर्म का, फैला के लिख दिया। अब जो कह रहा है कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई, यानी इस एक्स वाई के अलावा जो कुछ भी है वो लिख दो, तो इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास, -4z, ये इसका आंसर है। ऐसे इसको ऐड करो, 4b और 5b मिलकर कितना होगा, 9b, 6a और 2a मिलकर कितना होगा, 8a, प्लस अपनी जगह है। क्वेश्चन नंबर 14, सॉल्व द इक्वेशंस। अब इस इक्वेशन को भी सॉल्व करना है, इसका तरीका क्या करने का, सबसे पहले करेंगे हम ट्रांसपोजिंग। इक्वल के दूसरी तरफ है 32, इक्वल के पहली तरफ है -12, -12 को जब उधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा +12, इधर रह जाएगा खाली हमारे पास a, तो a इक्वल टू आएगा 3 और 2 5, 3 और 1 4, यानी 45। और एक्चुअली मुझे चेक करा ना क्वेश्चन, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, यहाँ मैंने 45 नहीं लिखा, 45 आंसर इसका। एक्सप्रेस द रेशो 48 और रेशो 63, 28:63। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब ये कि इसको डिवाइड करते रहो, कैसे डिवाइड होगा ये देखो, कैसे डिवाइड हो सकता है, ये दोनों नंबर 7 से डिवाइड हो सकते हैं, तो 7 से डिवाइड किया तो कितना आया, 7 4 28 और 7 9 63, तो इसका आंसर आएगा 4:9।